बैक राजा हिप्पा व्लॉग वैशाली बिहार से। तो आज हम लोग चल रहे हैं तो दोस्तों अपने ही गांव में फोटो से चलने का मजा तो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने गांव में ही टोटो से अंकल का है तो मजा आ रहा है काफी। हम लग रहा है कि हम राजा हैं और हमारे गाड़ी चल रही है सवारी। ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। तो दोस्तों ये हमारा गांव है जो काफी खूबसूरत है और सुंदर सा बसा हुआ गाँव है। जहाँ तहाँ से कुछ भी नहीं, देखिएगा एक जुड़ा हुआ परिवार सा एक सुंदर। बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अगर हमारे गांव में एक दो साल बाद आ पाइएगा ना तो हर दो साल में नए रुतबा, नए बिल्डिंग, नए रास्ते, नए व्यवस्थे मिलेंगे, क्योंकि लोग यहां हर साल हर वक्त बदलते रहते हैं। दोस्तों यह हमारा स्कूल है जिसमें हम बचपन में पढ़ा करते थे और जब रास्ते से गुजरे तो याद आ गया कि काश इस स्कूल को। लग रहा था जैसे स्कूल मेरा खबर पूछ रहा है। दोस्तों वही मेरा देखिए नया वाला बिल्डिंग बन गया है जिसमें हम लोग थोड़ा टाइम दिए होंगे। यह आजू बाजू गांव के सीने हैं और कितना खूबसूरत स्कूल लग रहा है। और दोस्तों ये जो इसी हमारा दोस्त का घर है महाकाल का जो कि बहुत अच्छा मेरा दोस्त, इधर एक और मेरा दोस्त का ही घर है। तो गांव हमारा काफ़ी खूबसूरत है, हमको तो मज़ा आ रहा था कि आज मैं पूरे गांव का सीन, पूरे गांव का, ये भी मेरा दोस्त का दलान है। और देखिए गांव के लोगों को, और गांव में यह प्रमुख साहब का घर है। तो दोस्तों अगर राजा पाकर से भाथा दासी मेरा गांव है, इस बीच देखिए हमारे कमल मुखिया जी का घर है। तो दोस्तों हम पूरे अपने यह राजा पाकर हाई स्कूल है, इधर मार्केट है और यह हमारा राजा पाकर हाई स्कूल जहाँ से हम लोग 10+2 किए थे। और काफ़ी ये सब चीज़ बदला है। और ये जो मिडिल स्कूल दिख रहा है ना दोस्तों, यह बिहार में तीसरे स्थान आता है पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सारे व्यवस्था के हिसाब से। और मार्केट इतना याद आता है जब आप आइएगा तो। और इस साइड एक जो ये हनुमान जी का मंदिर है और यह दुकान पूरे राजा पाकर में फेमस है, किसी की इसमें रहता है कोई समझ जाइए इसीलिए फेमस है। और देखिए यह हम लोगों का नियर बाई एक मॉल है और बस बाजू में यह ग्रामीण बैंक है जहाँ पे लोग का पैसा आना जाना होते रहता है। तो अभी हम टेम्पू स्टैंड पे चलेंगे। तो दोस्तों हम हैं अपने राजा पाकर टेम्पू स्टैंड, हम लोग का नियर बाई टाउन और यहाँ की चीज़ें वही है, यहाँ के मौसम, यहाँ की टाउन सिटी, रहन सहन, गाँव के हर लोग, चीज़ें कुछ भी बदला ही नहीं। और शायद हमको लगता है कि बदलना भी लोग चाहता नहीं, जो सब हम लोगों ने बचपन से देखते आ रहे हैं वही सारे चीज़ें उसी तरह पड़े हुए, नहीं कुछ बन रहा है, ना कोई व्यवस्थे हो रहे हैं, लोग ऐसे ही आते जाते हैं। अच्छा खासा वीडियो बना था, टोटो वाला कहाँ से बीच में आ गया। तो दोस्तों मैं अपना ले लिया था टोटो ऑटो सॉरी और जा रहे थे रूम पे। तो चलिए बहुत बातें हो गई और आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बातें को ध्यान दे। धन्यवाद, लव यू ऑल गाइज, माई सस।